हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML CSS, ओके, HTML with CSS। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है। यूज़ द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, ओके, क्या बोल रहा है ये स्टाइल, जो एट्रीब्यूट है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट पे, फॉर इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। उसके बाद यूज़ द HTML स्टाइल एलिमेंट, ये स्टाइल एक एलिमेंट है, ध्यान रखिए। ये हम लोग H1 में यहाँ लिखते थे, बैकग्राउंड कलर देते थे, उसको बोलते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, जो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, जो जो हम लोग ने सीखा, ठीक है। ये कुछ अलग चीज़ है और इसको बोलते हैं एलिमेंट, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ओके। ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होगा, आगे जाके मैं दिखाऊँगा। तो समझिए, यूज़ HTML स्टाइल एलिमेंट क्या होता है, डिफाइन इंटरनल CSS, यानी इंटरनल CSS अगर कुछ लिखना है आपको तो ये एलिमेंट यूज़ करके आप लिख सकते हो। वो क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे अभी। आगे है, यूज़ द HTML लिंक एलिमेंट टू रेफर टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल, ठीक है। ये लिंक एलिमेंट क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। एक्सटर्नल फाइल में हम लोग CSS कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। हेड टैग, ओके, हेड एलिमेंट क्या, यूज़ द हेड एलिमेंट टू स्टोर स्टाइल एंड लिंक एलिमेंट्स, यानी ये दो चीज़ें आप HTML के जो हेड एलिमेंट है यहाँ पे हमारा, उसके अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ के साथ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारा ये वीडियो है HTML with CSS पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। कलर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज़ है, बॉर्डर है, बॉर्डर प्रॉपर्टी है फॉर बॉर्डर्स, पैडिंग प्रॉपर्टी है, स्पेस इनसाइड द बॉर्डर या इनसाइड द डिव या इनसाइड द एलिमेंट, जो भी आप बोल सकते हो। ये मार्जिन है, स्पेस आउटसाइड, ठीक है। तो चलो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या है, स्टाइलिंग HTML विथ CSS। तो फर्स्ट क्या है, CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, ओके। यानी आप जो भी अभी तक हम लोगों ने CSS स्टार्ट नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि CSS describes how HTML element, यानी आपके जो HTML के एलिमेंट्स कैसे दिखने चाहिए वो CSS डिस्क्राइब करता है, ठीक है। कैसे डिस्प्ले होने चाहिए आपके स्क्रीन पे, या कैसे स्टाइल होनी चाहिए, कैसे कलर होना चाहिए, कैसे बैकग्राउंड स्पेस वगैरह अलाइनमेंट, सारी चीज़ें उस लिए, इसके लिए वो CSS में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद CSS saves a lot of work, यानी आप HTML में जो CSS लिख रहे हो स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए अभी तक, वैसे नहीं लिखना है, कुछ अलग तरीके हैं, इसलिए वो बोल रहा है कि CSS saves a lot of work, क्यों, क्योंकि इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट वंस। देखो, कभी आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप एक सिंगल पेज तो नहीं बनाओगे, आप एक से ज़्यादा पेज ही बनाओगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, सेम एलिमेंट्स होंगे, तो आप CSS अप्लाई करके सेम एलिमेंट्स को, यानी एक से दस, समझो मेरे पास एक पेज पे चार अलग अलग पेजेस है और चार अलग अलग पेज पे मेरे सेम एलिमेंट्स, सेम H1 है, सेम हेडिंग्स है, तो सारे चार पेज के चार हेडिंग को मेरी स्टाइल सेम लगने वाली है, तो मैं सिर्फ CSS में जाके एक ही बार लिखूँगा और वो ऑटोमेटिकली चार पेजेस में अप्लाई होगी। तो इसलिए वो बोल रहा है कि इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, वो भी हम लोग देखने वाले हैं आगे, ठीक है। ओके, CSS कैन बी एडेड टू HTML एलिमेंट्स इन थ्री वेज। चलो देखते हैं CSS कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे पहला तरीका इन लाइन, इन लाइन मतलब बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML, ये हम लोग ने सीख लिया है, ठीक है, सिर्फ हमें पता नहीं था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन लाइन स्टाइल, ओके, CSS में, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते थे ना यहाँ पे, चलो वो भी दिखा दूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल, इंटरनल क्या होता है, बाय यूजिंग ए स्टाइल एलिमेंट, ओके, ये स्टाइल एट्रीब्यूट है ध्यान में रखना, और ये स्टाइल एलिमेंट है इन द हेड सेक्शन। इंटरनल हमें कहाँ पे लिखना है, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट में। एक्सटर्नल कैसे लिखना है, आपको एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनानी है और उसको यू कैन ऐड इट मल्टीपल सी, ऑल्सो यू कैन ऐड मल्टीपल CSS, ओके। ये क्या बोल रहा है कि आप एक्सटर्नल फाइल बना सकते हो CSS की, और एक नहीं, एक से ज़्यादा कितने भी बना सकते हो, और उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो CSS में तीन तरीके होते हैं, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये सारे तरीके आज हम लोग देखने वाले हैं। और द मोस्ट कॉमन वे टू ऐड CSS इज़ टू कीप द स्टाइल्स इन सेपरेट CSS फाइल्स। वो क्या बोल रहा है कि
जनरली लोग ये वाला तरीका ही यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं HTML with CSS। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनलाइन देखते हैं। ठीक है, ये इनलाइन कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इनलाइन बनाने के लिए एक, चलो H1 लिख देता हूँ मैं, दिस इज माई इनलाइन CSS। ओके, ये हम लोग ने किया था पहले भी, चलो रिफ्रेश करूँगा मैं, दिस इज़ माई इनलाइन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ उसको, और उसको कलर दे रहा हूँ मैं बैकग्राउंड हाइफ़न कलर इक्वल टू रेड। ओके, इस टू रेड, रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे चलो एक काम करते, कलर पिकर देख ले, क्योंकि लास्ट वीडियो हम लोगों ने कलर पिकर देखा था, उसमें मेरी खुद की वैल्यूज़ अप्लाई की थी। अगर मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पे पसंद है तो आप यूज़ सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो चलो RGB नहीं, मैं हेक्सा वैल्यू लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, तो क्या है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी, मुझे जो वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे वो मैंने ले ली, रिफ़्रेश करूँगा मैं, ऑटोमेटिकली वेरी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके को बोलते हैं। तो जैसे हम लोग ने ये तो पहले ही सीखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था, हमें पता नहीं था पहले कि इसको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं इन लाइन स्टाइल। ओके, हम लोग CSS देख रहे हैं और उसके तीन तरीके समझ रहे हैं। तो पहला तरीका है इन लाइन स्टाइल, और वो इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं इन लाइन स्टाइल देना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉपी करेंगे, फिर एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरनल स्टाइल। ठीक है ना, ओके, अभी इंटरनल स्टाइल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए, और यहाँ पे मैं H2 लिख रहा हूँ, H1 नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि ये इसकी इसका कोई काम नहीं है इसमें इंटरनल में। और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा। ठीक है, ये मेरा इंटरनल है। ठीक है, चलो इंटरनल कैसे देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय यूजिंग ए स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। ओके, आप हेड सेक्शन में जाइए, इसके अंदर ये आपका हेड सेक्शन है आपका, इसमें जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे STYLE। ओके, ओपन एंड क्लोज टैग, और आपको CSS किसको अप्लाई करनी है, मुझे किसको अप्लाई करनी है, दिस इज़ माई इंटरनल CSS जो कहाँ है, यहाँ पर जो है H2। ओके, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिखूँगा कि यहाँ पर जो H2 है उसको मुझे CSS अप्लाई करनी है। तो मेरा एलिमेंट का नाम H2, इसलिए मैंने H2 लिखा, लेकिन इसको अगर जब भी आप CSS अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देनी है, इसको कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। ओपन और क्लोज, और यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोगों को बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड हाइफन कलर, चलो देना है ग्रीन। ठीक है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये मेरा ग्रीन हो गया। बस यही, इसी इस तरीके को बोलते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरनल CSS कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तीसरा तरीका है जो है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, दो तरीके हम लोग ने सीख लिए, अभी तीसरा एक्सटर्नल देखते हैं क्या होता है। तो बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल। ओके, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका मतलब है आप अलग से एक CSS की फाइल क्रिएट करते हो और उसको लिंक करते हो। तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको CSS की एक फ़ाइल बनानी होगी, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे फाइल न्यू, कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे फोल्डर है ऑलरेडी CSS का, मैं आपको मेरे फोल्डर में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे CSS का फोल्डर है, इसके अंदर आप ऐसे करके न्यू नोटपैड करके भी बना सकते हो, और यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है जो यहाँ पे बनाने के लिए एक ऑप्शन भी देता है न्यू फाइल, यहीं से भी आप बना सकते हो। तो मैं उस फाइल का नाम लिखने वाला हूँ main.css। ओके, जस्ट लाइक दैट, सिंपल है। तो ये मेरी CSS की फाइल क्रिएट हो गई। CSS फाइल क्रिएट करने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है .css, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो ये ऑटोमेटिकली मेरे फोल्डर में भी आ गया। ठीक है, बस ये इस फाइल को मुझे ओपन करना है, और मैंने ये ओपन कर ली यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू HTML का एलिमेंट, और एक HTML एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पे, चलो लिखते हैं H3। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एक्सटर्नल। ओके, और यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो देखिए ये मेरा न्यू एक्सटर्नल वाला
H3 यहाँ पे आ गया। अभी मुझे इसको स्टाइल करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H3 और कर्ली ब्रेसेस में लिखूँगा बैकग्राउंड हाइफिन कलर येलो। ओके, अभी रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे, हाँ मैंने ये फ़ाइल तो बना ली लेकिन यहाँ पे फ़ाइल लिंक नहीं की हुई है। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, देखो आपको फ़ाइल लिंक करनी होती है, जैसे यहाँ पे उसने बताया, देखो यहाँ पे बताया हुआ है HTML लिंक एलिमेंट टू रेफ़र एन एक्सटर्नल फाइल, मतलब आपने जो फ़ाइल बनाई है वो आपके डॉक्यूमेंट में आपको रेफ़र करनी पड़ेगी उस हेड सेक्शन में। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इन हेड सेक्शन इन हेड एलिमेंट टू स्टोर स्टाइल एंड लिंक एलिमेंट, यानी ये वाली चीज़ इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीज़ें अगर आपको करनी है तो आपको हेड सेक्शन के अंदर करनी है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिखूँगा, इसके ऊपर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे लिंक, देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया, REL यानी रिलेशन रिलेटेड स्टाइल शीट है, और HREF जो मैं मेरे CSS के फोल्डर में है और मेरी main.css की फाइल है, और इसके आगे और एक चीज़ होती है टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS। अब ये चीज़ आपको नहीं लिखी तो भी चलेगा क्योंकि आप HTML5 के डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। तो ये एक तरीका है एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करने का। तो चलिए अभी आप रिफ़्रेश करोगे तो अभी आपका येलो कलर आ जाएगा, देखिए ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा एक HTML विद CSS का एक वीडियो बनाया यहाँ पे। चलो फिर एक बार देख लेते हैं डिटेल में ठीक से। देखो मैंने एक H1 बनाया यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट और लिखा हुआ है CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू। इस तरीके को क्या कहते हैं हम लोग, इनलाइन स्टाइल, ठीक है। फिर मैंने और वो यहाँ पे कलर आ गया आपका, ठीक है ये वाला। फिर मैंने H2 लिखा है इंटरनल CSS, दिस इज़ माय इंटरनल CSS, ओके। और उसको भी मैंने एक CSS स्टाइलिंग अप्लाई की है, सिर्फ इनलाइन स्टाइल मतलब ये तरीका अलग है हमारा, ये पहले वाला तरीका है इनलाइन स्टाइल, ये मेरा दूसरा तरीका है इंटरनल स्टाइल। तो इंटरनल स्टाइल देने के लिए हम लोग लिखते हैं हेड सेक्शन के अंदर, यानी हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर आप लिखते हो स्टाइल एलिमेंट, यानी स्टाइल वाला टैग, वो टैग के अंदर आपको सिर्फ आपका एलिमेंट का नाम लिखना है। जैसे मेरा एलिमेंट का नाम क्या है यहाँ पर, H2, क्योंकि मुझे इसकी को देना है इंटरनल के लिए, ठीक है। तो मैंने H2 लिखा और दो कर्ली ब्रेसेस लिखने हैं मुझे, और ये फिर एक बार सेम टू सेम, ये भी प्रॉपर्टी सेम है जो मैंने यहाँ पर लिखी थी ये वाली, और ये कलर वैल्यू सेम वैसे ही लिखना है आपको, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आपको स्टाइल टैग के अंदर लिखना है, इसका मतलब इंटरनल CSS होता है, ठीक है। और ये आप एंटर कर रहे हो या आप एंटर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये क्यों किया मैंने, रीडेबिलिटी अच्छी होती है, आपको समझ में जल्दी आ जाता है इसलिए, ठीक है। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं फटाफट। फिर ये थर्ड वाला है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS इस तरीके से आपको पहले एक फ़ाइल बनानी होती है, आपको यहाँ से CSS के अंदर एक फ़ाइल बनाई मैंने main.css, फिर उसको उस फाइल को आपको लिंक करना होता है HTML के अंदर, HTML पेज के अंदर और हेड टैग के अंदर, ठीक है। उसको मैंने लिंक कर दिया और सेम टू सेम इस तरीके से आपको लिखना है लिंक REL स्टाइल शीट HREF, जो भी आपकी पाथ है आपके फोल्डर में, जो भी जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है उसका पाथ आपको देना है, और ये आपको लिखना है, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीन तरीके होते हैं HTML और CSS में, या में CSS में, यानी CSS आपको अगर आई एम सॉरी, ये CSS में तीन तरीके होते हैं और आप HTML से CSS तीन तरीके के साथ लिख सकते हो। फर्स्ट तरीका है इनलाइन, दूसरा है आपका ये इंटरनल CSS और तीसरा है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ओके। बहुत इजी सी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको तीन तरीके याद रखने हैं, जो इनलाइन जो हम लोग हमेशा लिखते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, और दूसरा है इंटरनल जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टाइल टैग के साथ, ओके। और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल जो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे फाइल लिंक करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास और एक फ़ाइल है तो आप और एक फ़ाइल यहाँ पे लिंक इसी तरीके से कर सकते हो, सिर्फ आपका फ़ाइल नेम
दूसरा होगा, यानी मेन टू डॉट सी एस एस। ऐसे आप कितने भी सी एस एस की फाइल्स यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।